हिट एंड रन कानून देश भर में विरोध हो रहा है। ज्यादातर राज्यों में ट्रक चलाने वाले कानून विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसका तहत ज्यादा कड़ी सजा प्रावधान है। इसका असर एमपी के भिंड जिले में देखने को मिला है। कानून का विरोध करते हुए यहाँ के सारे रूट की बसें बंद कर दी गई हैं, ड्राइवर धरने पर बैठ चुके हैं। दरअसल आपको बता दूं, इन दिनों पूरे देश में हिट एंड रन कानून का ज्यादातर राज्यों में हड़ताल चल रही है, जिसका असर भिंड जिले में देखने को मिल रहा है। बुधवार को तीसरा दिन हो चुका है। ऐसे में यहाँ भिंड, इटावा, ग्वालियर, मुरैना जाने वाली सारी बसें बंद कर दी गई हैं। इस वजह से आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हड़ताल कर रहे अच्छवाला कह रहे हैं, ड्राइवरों की काला कानून फांसी का फंदा है। हिट एंड रन कानून पिछले भारतीय न्याय संहिता में अब कानून का बन चुका है। आने वाले समय इसके नए प्रावधान भारतीय दंड संहिता में आईपीसी के प्रावधानों की जगह ले लेंगे। लेकिन इनके प्रावधानों का विरोध में शुरू हो चुका है। नए प्रावधान के अनुसार यदि सड़क दुर्घटना में किसी का निधन होता है तो गाड़ी का ड्राइवर मौके से भाग जाता है तो उसे 10 साल की जेल की सजा हो सकती है, साथ ही जुर्माना भरने का भी पड़ेगा। इस कानून को विरोध को लेकर बस ट्रक के पहिए थम चुके हैं, इसको लेकर यात्रा भी थम चुकी है। वजह से सबसे ज़्यादा भिंड शहर में यहाँ भिंड ग्वालियर टावर रूट पर चलने वाली ट्रेनें पर निर्भर हो चुकी है। मतलब 7 साल की सजा, वो 10 साल की सजा, 5 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। तो हम लोग 10 हजार रुपए की नौकरी करते हैं, हम कहाँ से देंगे? कई एक ड्राइवर जो है उनके पास घर में 10 हजार रुपए नहीं निकलेंगे। और ये सजा बोलेगी तो वो जेल में ही मर जाएंगे, वो उनके बीवी बच्चे वैसे ही मर जाएंगे, क्या करेंगे हम लोग? और ये जो अमित शाह ने जो किया है कि 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए जुर्माना, एक्सीडेंट होने पर अगर उसको हम लोग उठाने के लिए जाते हैं तो हमको जनता वैसे ही मार डालेगी, फिर हम क्या करेंगे? कौन हमारा जिम्मेदार बनेगा? इसलिए हम लोगों ने यूनियन के साथ में बसें बंद करी है। अभी कल होने आने वाले समय में जो बाइक चलाने वाले भी बंद हो जाएंगे, क्यों? उनके पास भी कानून कायदे में ड्राइवर हैं, वो भी उनके पास भी लाइसेंस दिया है गवर्नमेंट ने, सब बंद होंगे तो हम लोग क्या करेंगे फिर? मतलब ये कब तक आंदोलन चलने वाला है? ये अनिश्चितकालीन है, इसका कोई पता नहीं है कब तक चले। जब हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक ये वापस नहीं लेंगे तब तक ये चलता ही रहेगी हड़ताल। यात्री परेशान है तो उनके लिए क्या? ये सरकार समझे क्या करना है हमको, हम क्या कर सकते हैं? जब सरकार हमारे हित में नहीं सोच रही तो हमें यहाँ से। इस समय पेट्रोल संचालक पे भी बिल्कुल पेट्रोल का बंद हो चुका है, बिल्कुल बंद हो चुका है। तो आगे और क्या क्या नुकसान होने वाला है? अब आगे क्या, जनता मरेगी, गरीब लोगों को मरना ही मरना है, इसके अलावा कोई उपचार नहीं है। और ड्राइवर तो मर ही रहे हैं, ड्राइवर बेचारे 500 रुपए कमा के अपना गुजारा करते हैं, वो वैसे ही मर रहे हैं। मेरा नाम भान सिंह।